हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ योर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 11। आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू एज अ टेस्ट टू सॉल्व। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था दैट वॉज रिलेटेड टू कोणार्क सन टेम्पल। वाई कोणार्क सन टेम्पल इज इन न्यूज इन लास्ट 10-15 डेज। सो उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। क्वेश्चन क्या था? With reference to the Konark Sun Temple, consider the following statements. Statement one था आपका, it is a UNESCO World Heritage Site located in Odisha. चलिए, अब ओडिशा में है ये तो सबको पता है, बट क्या वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? आपको ये पता होना चाहिए। तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकग्नाइज किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। ओके, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ द टेम्पल, और इसी की वजह से ये न्यूज़ में था। ओके, सो आपका स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। ओके, चलिए, तो ये जो टॉपिक था वो हमें थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे उसको। The government of India has launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple and Konark Town in Odisha. Okay, the scheme will meet all energy requirements for Konark Town with solar energy. तो देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका ये विजन है कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस तक, ओके, दैट इज इन 2022 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए। स्टिल वी आर नॉट केपेबल कि हम कन्वेंशनल वे से बिजली पहुंचा पाए, इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ये बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का ये मानना है कि जब हमारे पास इतना सोलर पावर, साल के 8-9 महीने तकरीबन भरपूर सोलर पावर हमको जब मिलता है, तो क्यों ना उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओके, और इसीलिए ये विजन है कि 2022 तक 75 मेगावाट जितना बिजली जनरेशन किससे होगा? सोलर एनर्जी से होना चाहिए। ओके, चलिए, द टू टेक फॉरवर्ड द प्राइम मिनिस्टर विजन टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क इन ओडिशा एज अ सूर्य नगरी। ओके, सो जब आपको सूर्य नगरी के बारे में कुछ पूछा जाए तो आपको ओडिशा का कोणार्क शहर याद आना चाहिए। उसको एज अ सूर्य नगरी प्रोजेक्ट किया जाएगा आने वाले दिनों में। To convey a message of synergy between the modern use of a solar energy and the ancient sun temple and the importance of promoting solar energy. तो ये भी एक इसका एक main objective रहेगा। Okay? Plan क्या होगा? It envisages the setting up of the 10 megawatt grid, connected solar power and various solar off-grid applications such as solar trees, solar drinking water kiosks and off-grid solar power plants with battery storage. फंडिंग कौन देगा इसकी? 100% फंडिंग होगी सेंट्रल फिनेंशियल असिस्टेंस। ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से फंड करेगा। एंड 25 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दिए जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी होगी? ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, आपको किसी ना किसी तरह स्टेटमेंट में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द ग्लिम्सिस ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। हम आगे भी इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। कोणार्क सन टेम्पल को बांधा गया था किंग नरसिंहा देवा वन के द्वारा इन 13th सेंचुरी। ओके, और वो कौन थे? वो गंगा डायनेस्टी के राजा थे। 13th सेंचुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सन टेम्पल को बांधा गया था, बिल्ड किया गया था। और वो कितना दूर है? 30 किलोमीटर दूर है दी आइकॉनिक जगन्नाथ टेम्पल से। ओके, पूरी की जो सीक्रेट सिटी है उसे ईस्टर्न साइड में 30 किलोमीटर दूर में इस मंदिर को बनाया गया है। और आपको जैसे पता ही, आप अपने हिस्ट्री में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि उसका जो शेप है वो एक रथ के, कोलोसल चैरियट के तौर पे इस पूरे मंदिर को बिल्ड किया गया है। द टेम्पल इज डिजाइंड इन द शेप ऑफ अ कोलोसल चैरियट। इट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। देर आर टू रोज ऑफ द
ऑफ 12 व्हील्स ऑन ईच साइड ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल. द 7 हॉर्सेस आर सेड टू सिम्बलाइज द 7 डेज ऑफ वीक. द टेम्पल वॉज यूज एज अ नेविगेशनल पॉइंट बाई यूरोपियन सेलर्स. दे रिफर्ड टू इट एज अ ब्लैक पेगोडा ड्यू टू इट्स डार्क कलर एंड इट्स मैग्नेटिक पावर दैट ड्र्यू शिप इन टू शोर एंड कॉज्ड शिपरेक्स. इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, आर्किटेक्चर भी इसका इतना खास है, दैट्स वाई इट इज इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और इसको यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया था? इन द ईयर ऑफ 1984. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू इज टू लुक आउट फॉर ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, पूरे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से स्टेट में है, और गुजरात में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी लिस्ट आपको मुझे बतानी है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, जो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था विथ रेफरेंस टू GI टैग, तो विथ रेफरेंस टू दी सोहराई खोवार पेंटिंग्स कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया था और आपको सारी चीज़ें सोचनी है विथ रेफरेंस टू सोहराई खोवार पेंटिंग्स. स्टेटमेंट वन था, द सोहराई खोवार पेंटिंग्स इज स्पेसिफिक टू द जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जो कि गलत है, क्योंकि ये है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड को ये पेंटिंग्स स्पेसिफिकली बिलोंग करती है. तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो हो गया गलत. स्टेटमेंट टू है आपका, इट फीचर्स अ प्रोफ्यूशन ऑफ लाइन्स डॉट्स एनिमल्स फिगर्स एंड प्लांट्स ऑफन रिप्रेजेंटिंग रिलीजियस आइकोनोग्राफी. सो दैट इज करेक्ट, जो कि आपको यहाँ नीचे के इस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा. स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वुमन. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अब देखिए, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था व्हाट इज म्यूरल आर्ट. तो जब कोई परमानेंट सतह पे, परमानेंट सरफेस पे जब कोई पेंटिंग की जाएगी, कोई आर्ट किया जाएगा, दैट इज नोन एज म्यूरल आर्ट. मैंने आपको पूछा था कि गुजरात में कौन से ऐसे म्यूरल आर्ट है और इंडिया में और कौन से ऐसे म्यूरल आर्ट के एग्जांपल है. ओके, गुजरात में जो डांग में जो वारली पेंटिंग होगी, सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ म्यूरल आर्ट. जो घरों, उन जो ट्राइबल्स ग्रुप्स है उनके जो घरों की दीवारों पर ऐसे वारली पेंटिंग ड्रॉ की जाती है. ओके, चलिए, तो थर्ड इज करेक्ट. फोर्थ इज स्टेटमेंट फोर, क्या दिया गया था आपको, सोहराई खोवार पेंटिंग does not have a identification tag, that is wrong. Okay, उसको GI tag मिला था पिछले कुछ दिनों में, इसीलिए हमने ये टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया था. तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली. बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था, चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैज़ लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल. तो MSME मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. तो चैंपियन स्टैंड्स फॉर, उसका पूरा नाम क्या है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस एंड इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. तो किस तरह से MSME को पूरे सेंट्रल लेवल पे हारमोनी में लाया जाए और किस तरह से इकोनॉमी में उसको इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए चैंपियंस पोर्टल बनाया गया है. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, सो बेसिकली वो क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक कंट्रोल रूम है जहाँ से उसको मैनेज किया जाएगा. देश भर में जो MSME है उसका डेटा वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. साथ साथ में वो क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उसके ऊपर भी ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा. विच यूटिलाइजेज मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इन एडिशन टू ICT टूल्स इंक्लूडिंग टेलीफोन इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस. द सिस्टम इज अनेबल्ड ऑल्सो बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग. ओके, तो MSME की जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स या तो मशीन लर्निंग पे चलती है. दैट्स वाई उनका जो कंट्रोल रूम है उस वहाँ पे भी इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है. इट इज़ ऑल्सो फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेन ग्रीवियंसिस पोर्टल CP ग्राम्स एंड द मिनिस्ट्रीज अदर वेब बेस्ड मैकेनिज्म.
तो इसको सारे जो एक तो बेसिकली उसको सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसिस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज नोन एज सीपीग्राम्स के साथ जोड़ा गया है, और जो मिनिस्ट्री के बाकी वेब बेस्ड जो भी इनिशिएटिव्स है, जो भी पोर्टल्स है, जो भी टूल्स है, जो भी एप्लीकेशन है, उनके साथ चैम्पियंस पोर्टल को जोड़ दिया गया है. ओके, द एंटायर ICT आर्किटेक्चर इज स्ट्रक्चर्ड इन अ हाउस विथ द पीपल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि सारा डेटा जनरली कलेक्ट करता है. अ नेटवर्क ऑफ अ कंट्रोल रूम इज क्रिएटेड इन द हब एंड स्पोक मॉडल. हब क्या होगा, तो हब को सिचुएटेड किया गया है न्यू दिल्ली इन द सेक्रेटरी MSMEs ऑफिस. स्पोक्स क्या होगा, स्पोक्स विल बी इन द स्टेट्स इन वेरियस ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मिनिस्ट्री. एम क्या है, टू असिस्ट इंडियन MSMEs मार्च इनटू द बिग लीग एज नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियंस बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस एंड एनकरेजिंग सपोर्टिंग हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग देम. अगर MSME कोई कंपनी है, उनको किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत आ रही है, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द चैंपियंस पोर्टल, देयर ग्रीवियंसेस, देयर रिड्रेसल विल बी एड्रेस्ड एंड दैट्स हाउ उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाएगा, सपोर्ट किया जाए, एनकरेज किया जाएगा, ताकि वो इजीली अपना प्लांट चला सके, अपना बिजनेस चला सके, एंड ड्यू टू दिस जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा पहुंच सके. और इसके थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, सपोर्ट, एक्सप्लोर एंड प्रमोट, टू हेल्प द MSMEs इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, रॉ मटेरियल्स, लेबर परमिशंस एट्सेट्रा. एक्सप्लोर टू हेल्प देम कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एक्सेसरीज एंड प्रोडक्ट्स लाइक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, मास्क एट्सेट्रा. और प्रमोट कैसे किया जाएगा, टू आइडेंटिफाई दिस स्पार्क आई ई द ब्राइट MSMEs हु कैन नॉट ओनली विथस्टैंड बट कैन ऑल्सो बिकम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैम्पियंस. ओके, काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐसी कंपनीज होगी जिस जिसमें काफ़ी पोटेंशियल होगा, तो उनको भी इस चैम्पियन पोर्टल के द्वारा प्रमोट किया जाएगा, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, so that is correct. Question number 2, import of all milk and milk products from China is banned in India. So already FSSAI ने 2008 में इसको बैन कर दिया था. क्यों बैन कर दिया था, क्योंकि जब उस टाइम पे 2008 में सैंपल लिए गए तो वहाँ पे मेलेमाइन का एडल्टरेशन पाया गया. ओके ना, व्हाट इज एडल्टरेशन, मिलावट. ओके, तो दूध में मेलेमाइन की मिलावट पाई गई. 2019 में इस बैन को एक्सटेंड कर दिया. क्यों एक्सटेंड कर दिया गया और कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, जब तक इंडियन पोर्ट्स जहाँ से चाइनीज डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में एंटर होते हैं, वो पोर्ट्स एडल्टरेशन चेक करने के लिए कॉम्पिटेबल ना हो जाए. ओके, वहाँ पर ऐसी लैब को ना बना दिया जाए, तब तक इस बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है. सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, मेलेमाइन इज यूज इन एडल्टरेशन ऑफ मिल्क, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर आपके सही ऑप्शन तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3. ओके, और नीचे आपको सारी उसकी डिटेल दी हुई है. ओके, चलिए, आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स लेक्चर, वेदर इट इज़ अपलोडेड इन योर क्लैट चैनल और GPSC चैनल. आपको सारे लेक्चर्स के थ्रू जाना है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स विल बी अ जनरल टॉपिक फॉर ईच ऑफ योर एग्जाम्स. ओके, चलिए, और ये आपके होमवर्क के टॉपिक जो आपको लास्ट टाइम पे दिए गए थे, रिस्टार्ट कॉन्फ्रेंस, चैंपियंस पोर्टल, गोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री वाई वंदना योजना. आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस जस्ट लेट मी नो, वी विल रिकवर इट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक फॉर आस इज हीट वेव्स. पिछले काफ़ी कुछ दिनों से गुजरात और महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया में हीट वेव चल रही है. ओके, अब हीट वेव का मतलब क्या है कि जो हमारा IMD है, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने पर डे के लिए कोई मैक्सिमम टेम्परेचर डिसाइड किया होगा बेस्ड ऑन द वेदर फॉरकास्ट. नाउ अगर उस मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस जितना, सो दैट इज़ नोन एज हीट वेव. अगर लेमेन लैंग्वेज में कहूँ तो
टेम्परेचर एक्सेसिवली एंड एक्सट्रीमली अगर जब बढ़ जाएगा, ओके 40 डिग्री, 42 डिग्री इज जनरल इन मंथ ऑफ मे, मिड में एंड में 42 डिग्रीज क्वाइट नॉर्मल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अब अगर दिस इज दी फॉरकास्ट के चलो भाई 42 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर रहेगा, 42 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर डे, ओके, और कोई नया मैक्सिमम टेम्परेचर जब मेजर होता है, सो दैट इज नोन एज दैट पीरियड इज नोन एज हीट वेव. और जो उसका जो विंडो है टेम्परेचर का 42 डिग्री टू 48, 47 या 50 डिग्री इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो उसको माना जाएगा हीट वेव. चलिए, रिसेंटली द इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फॉरकास्टेड द हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड अडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया अलॉन्ग विद हैवी रेन ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये फॉरकास्ट किया गया था कि भाई काफ़ी जगहों पर हीट वेव देखी जा सकती है. Many parts of coastal Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra have also observed increase in temperatures above 42 degrees Celsius, triggering heat wave conditions. The heat wave has been observed due to dry northwesterly winds prevailing over northwest and central India. अब इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं. द इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. इट इज़ एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जिसके अंडर में काम करता है. ओके, कौन सी मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके अंडर में काम करेगा IMD डिपार्टमेंट. इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी. अर्थक्वेक के लिए भी IMD जिम्मेदार होगा उसके फॉरकास्ट के लिए. What is heat wave? A heat wave is a period of abnormally high temperatures, more than the normal maximum temperature that occurs during the summer season in the northwestern and south central parts of India. Heat wave typically occur between March and June, and in some rare cases even extended till July. July तक काफी rare cases में जाएगा, क्योंकि जून मिड आते तक तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट बारिश की सीजन स्टार्ट हो चुकी होती है. हायर डेली पीक टेम्परेचर्स एंड लॉन्गर मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो आजकल जो हम ये इतना सीवियर टेम्परेचर राइज जो हम फेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होगी हीट वेव्स की. द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव्स टिपिकली इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्स, हीट एग्जॉशन एंड और हीट स्ट्रोक. काफ़ी लोग बेहोश हो जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर खा के गिर जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती है. और इसीलिए व्हाट डॉक्टर एडवाइस कि जब गर्मियों के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिन के दौरान पानी पीना चाहिए. हीट वेव के लिए क्राइटेरिया क्या है. द हीट वेव इज कंसिडर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्रीज सेल्सियस फॉर प्लेन्स. प्लेन्स मतलब जो मैदानी प्रदेश है वो, एंड एट लीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हीली रीजियंस. इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, देन एन इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी हीट वेव कंडीशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर IMD ने जो नॉर्मल वेदर फोरकास्ट है, मान लीजिए फॉर 2nd of June, अगर IMD ने बोला है कि भाई गुजरात में, गुजरात के पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट ड्यू टू सम एटमोस्फेरिक कंडीशन अगर वो टेम्परेचर चला जाता है 46 या 45 डिग्री सेल्सियस, तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हीट वेव. Further, an increase of 7 degree Celsius or more from the normal temperature is considered as a severe heat wave condition. अगर ये सेम चीज़ अगर माना गया है कि भाई 40 डिग्री मैक्सिमम रहेगा और जाता है वो 47 डिग्री या 48 डिग्री या बियॉन्ड दैट, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज सीवियर हीट वेव कंडीशन. दिल्ली में ये चीज़ देखी गई, चूरू में ये चीज़ देखी गई, जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच चुका था.
इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, देन एन इंक्रीज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी हीट वेव कंडीशन. फर्दर एन इंक्रीज ऑफ 6 डिग्री और मोर इज कंसिडर्ड टू सीवियर हीट वेव कंडीशन. Additionally, if the actual maximum temperature remains 45 degree or more, irrespective of normal maximum temperature, a heat wave is declared. अगर ज़्यादा दिनों के लिए 45 degree से ज़्यादा temperature मान लीजिए रहता है किसी particular region में, तो IMD department, IMD उसको heat wave के तौर पर जाहिर कर देगा, डिक्लेयर कर देगा और आपको एडवाइजरी इश्यू हो जाएगी कि भाई पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है. अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हीट वेव. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोएस्ट इंडिया. नाउ व्हाट इज दिस कोएस्ट इंडिया? तो आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी माइग्रेंट मूवमेंट देखी गई फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर. तो उसको मेजर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कोएस्ट इंडिया स्टार्ट किया गया है. रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्वेटरी हैज़ कम अप विथ अ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अनेबल्ड डैशबोर्ड. डैशबोर्ड इज अ वन पोर्टल काइंड ऑफ अ थिंग कॉल्ड कोलेबरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप टू मॉनिटर द मूवमेंट्स ऑफ माइग्रेंट्स. तो ये सेंट्रल पोर्टल स्टार्ट किया गया है जो रियल टाइम में माइग्रेंट की मूवमेंट को, जो बेसिकली जो पैदल चल के जो माइग्रेंट्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं उनकी मूवमेंट को रियल टाइम में कैप्चर करेगा. द कोएस्ट इंडिया डैशबोर्ड इंक्लूड्स इंडिया मैप विच रिफ्लेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन रियल टाइम ऑफन ऑन फुट अलॉन्ग विथ फैसिलिटीज एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन देयर रूट्स. तो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि जहाँ पे जो रूट से वो लोग मैक्सिमम पीपल जो चल के जा रहे हैं बीच में उनको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती रहे और उनको रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे वहाँ पे काम कर रही है वो भी वो गवर्नमेंट वहाँ पे उसका भी डेटा इंश्योर करेगी. इट ड्रॉज इंफॉर्मेशन फ्रॉम 55 ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द ग्राउंड मोस्टली इन विलेजेस. तो 55 ऑर्गेनाइजेशन जो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उनके डेटा के द्वारा इस पोर्टल पे डेटा को रिसीव किया जाएगा. द डैशबोर्ड एम्स टू मेक सच डेटा अवेलेबल टू गवर्नमेंट्स एंड स्मॉल लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू बी यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू माइग्रेंट. जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जा रहे हैं अगर वो सही डेटा लोकल बॉडीज को पहुँचा दिया जाए तो वो लोग उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, कैसे बस फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, खाने की क्या सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें easily अब प्लान की जा सकेगी. द डैशबोर्ड हैज़ बीन मेड इन कोलोबरेशन विद फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी. इंडिया ऑब्जर्वेटरी वॉज सेटअप इन डिसम्बर 2019 विथ FES. इट फोकस्ड ऑन इकोलॉजिकल इश्यूज अबाउट फॉरेस्ट वाटर बॉडीज कंजर्वेशन एट्सेट्रा. हावेवर आफ्टर COVID-19 ब्रेकआउट इट हैज़ डिसाइडेड टू फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल. The National Disaster Management Authority has also developed NMIS to maintain a central repository on migrant workers. अब क्या है Indian Observatory? It is India's first socio-economic and ecological open source integrated geospatial data platform. The observatory is designed to supplement local level decision making by village communities, panchayats, NGOs and government officials. It has the India data platform and its core which is built on open source and brings together data on over 1600 parameters ranging from village to national level in the form of maps, graphs, tables and infographics. तो ये सारी चीज़ें government धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है ताकि specific जगह की जो भी मुश्किलें हैं ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ईजीली रिजॉल्व किया जा सके. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सिटीजन्स. ओके, और ये नीचे मैंने थोड़ी डिटेल आपको दी है फॉर द फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी.
ओके okay, जस्ट उसको पढ़ लीजिए, दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड। FES क्या काम करता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब GIS क्या होता है, जो भी सिस्टम लोकेशन के साथ जुड़ी हुई है, लोकेशन के साथ लिंक है किसी ना किसी तरह, दैट इज़ नोन एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि आपका GPS, मोबाइल का GPS जैसे आपका काम करता है। दैट इज नोन एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो GIS इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू पोजिशंस ऑन अर्थ सर्फेस। बाई रिलेटिंग सीमिंगली अनरिलेटेड डाटा, GIS कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बेटर अंडरस्टैंड स्पेशल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। GIS कैन यूज एनी इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स द लोकेशन। The location can be expressed in many different ways, such as latitude and longitude, addresses, or zip code. GIS can include data about people, such as population, income, or education level. It can also include information about the sites of factories, farms, and schools, or storm drains, roads, and electric power lines, etc. ताकि अगर कोई जगह पे specifically कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इजीली इन टाइम रिजॉल्व कर दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आरोग्य सेतु एप्लीकेशन एंड ओपन सोर्स। देखिए, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में पिछले दिनों में काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलेगी, बट जब से गवर्नमेंट ने फ्लाइट और ट्रेन की मूवमेंट स्टार्ट की है, इवन दो इंटर स्टेट जो ट्रैवल जो अलाउ किया गया है, एवरी वन इन द कंट्री नीड्स टू हैव आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इन देयर मोबाइल। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्यों इतना ज़रूरी है, ये आफ्टर COVID-19 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया गया, और ये मेजर करेगा कि आपके आसपास या तो आप में इंडिविजुअल में कोई COVID-19 के सिम्टम्स दिखे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चनर इन द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, इफ़ यू फील दैट येस यू आर COVID-19 सिम्टोमेटिक, देन यू शुड कॉन्टेक्ट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू। सो रिसेंटली द कोड ऑफ आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड ओपन सोर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अब जो जो एप्लीकेशन बनाई है, तो आपको एज यू ऑलरेडी नो कि जब आप गूगल पे प्ले स्टोर पर जब आप देखोगे तो काफ़ी सारे डेवलपर रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? ताकि अगर जब यूज़र कोई पर्टिकुलर इशू, आरोग्य कोई भी XYZ एप्लीकेशन में अगर फेस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक बैकएंड में एक डेवलपर टीम हमेशा काम करती रहेगी, और वो डेवलपर टीम आपके सुझावों के ऊपर इफ़ पॉसिबल उसको सुधारती जाएगी, वो जो भी इशू आ रहा है। एंड दैट्स वाई आपके जब आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हो या कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करते हो, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि नाउ देर इज़ समथिंग न्यू, बग हैज़ बीन फिक्स्ड और समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। क्या मतलब है इसका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का, कि अगर इफ़ यू आर एन डेवलपर एंथुजियास्ट, अगर आपको डेवलपर कोड में रुचि है, तो आप GitHub, जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जाके आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जो कोड है, ओके, उसमें जो चेंजेस है उसको आप गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हो कि भाई आप अगर ये चेंजेस आप एप्लीकेशन में करोगे तो इससे आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। एंड इट इज़ free to everyone. It has been uploaded on GitHub, which will help in identifying any vulnerabilities or code improvement in order to make Arogya Setu more robust and secure. India has launched Arogya Setu mobile app to augment the efforts of limiting the spread of COVID-19. It has an objective of enabling Bluetooth-based contact tracing and mapping of likely hotspot and dissemination of relevant information about COVID-19. Although the app has been resourceful by its users, there were privacy concerns regarding the lack of transparency in the app's code. To address these concerns, the government has decided to launch the code set of an application on GitHub to make it more
ट्रांसपेरेंट, जो कंट्रोवर्सी थी उसको गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया कि चलिए आप हमें बताइए कि कैसे ये लोगों की प्राइवेसी पर असर डालेगी, अगर डाल भी रही है तो यू टेल अस, ओके वी, ये डेवलपर्स को बोला गया है कि भाई आप हमें बताइए अगर कोई भी कोड में आपको लगता है कि भाई कोड में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वी विल अगेन डेवलप दैट कोड, वी विल मेक दैट करेक्शन, एंड क्या मतलब होगा इसका कि ताकि एप्लीकेशन को ज़्यादा ट्रूथफुल, ज़्यादा रोबस्ट एंड ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके, ताकि डेटा ब्रीच का कोई भी कंट्रोवर्सी आके जाके गवर्नमेंट को फेस ना करनी पड़े। आरोग्य सेतु एज एन ओपन सोर्स, तो ये आपको देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज एन ओपन सोर्स। ओके, ओपन सोर्स रिफर्स टू अ सोर्स विच पीपल कैन मॉडिफाई एंड शेयर बिकॉज इट्स डिजाइन इज पब्लिकली एक्सेसिबल। मान लीजिए कि अगर आपको चलिए अभी टिकटॉक काफ़ी चल रहा है मार्केट में, टिकटॉक के कोड में या टिकटॉक का जो यूज़र, आपको जो टिकटॉक का जो यूज़र इमेज जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपको दिखता है, क्या आप उसको चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या तो जो फीचर्स दिए हुए टिकटॉक ने, क्या आप उसको चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि टिकटॉक इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसका जो कोड उसके पीछे लिखा गया है कि भाई यूज़र को ये फीचर्स मिलेगा, अगर यूज़र इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करता है तो ये मेन्यू उसको दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। वॉट यू कैन डू एज ऑफ नाउ, यू कैन ओनली रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर बग टू टिकटॉक, टिकटॉक की एक डेवलपर टीम कहीं तो बैठी होगी, वो लोग उस बग पे काम करेंगे और आपको वो बग सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ओके, सो अगर ओपन सोर्स कोई सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे देर आर प्लेंटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन जीटहब। ओके, यू कैन विजिट जीटहब इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो ओपन सोर्स अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप वो चेंजेस खुद कर पाओगे और उसका रिजल्ट आप खुद वहाँ पे देख पाओगे। सोर्स कोड इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कैन मैनिपुलेट इट्स वर्किंग एंड फंक्शन। प्रोग्रामर्स हु हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स सोर्स कोड कैन इम्प्रूव दैट प्रोग्राम बाई एडिंग फीचर्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक्सपेंडिंग कोलोबरेशन अमोंग्स द टैलेंटेड यूथ एंड सिटीजन्स थ्रू ओपन सोर्स वुड हेल्प इन बिल्डिंग एंड रोबस्ट एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन विच विल फर्दर सपोर्ट द वर्क ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स इन फाइटिंग द पेंडेमिक टूगेदर। टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड बग बाउंटी प्रोग्राम, कि अगर आप कोई बग ढूंढ के निकालोगे सो NIC आपको पैसा देगी। जैसे अभी आपको अगर पता हो तो इंडिया के एक लड़के ने एप्पल के किसी आईफोन में कुछ तो उसने बग ढूंढ के निकाला, तो एप्पल ने उसको लगभग 30 लाख या 35 लाख रुपए जितनी रकम उसको मिली है। ओके, एंड दैट इज अंडर एप्पल बाउंटी प्रोग्राम। चैलेंजेस क्या होंगे इसमें? रिलीजिंग द सोर्स कोड ऑफ अ रैपिडली इवॉल्विंग प्रोडक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मिलियन यूजर्स वुड रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सोर्स कोड। रेगुलर अपडेट्स इन द ऐप विद द न्यू टेक्नोलॉजी वुड ऑल्सो बी अ कंसर्न। तो देखिए, अब आप जैसे इसको ओपन सोर्स कर दिया गया है, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे यूजर्स काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को, तो आपको आने वाले कुछ दिनों में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंट अपडेट देखने को मिलेंगे। आज आपने अपडेट किया, 2 दिन बाद कोई नया अपडेट होगा, उसके 2 दिन बाद कोई नया अपडेट होगा, ये पॉसिबिलिटी अब अपने को देखने को वहाँ पे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट गूगल। चलिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। तो गूगल अनफेयर मीन्स से जो पेमेंट एप्लीकेशन है, ओके, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है वो कौन हैंडल करता है? गूगल हैंडल करता है। सो उस पे गूगल पे को अनफेयर मीन्स से प्रमोट किया जा रहा है। ओके, और बाकी सारे जो पेमेंट एप्लीकेशन है, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या XYZ, देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है गूगल पे कि भाई गूगल अनफेयर मीन्स से अपने प्रोग्रामिंग में चेंज करके
स्क्रीन पे हमेशा आपको क्या दिखेगा, गूगल। जब आप सर्च करोगे तो गूगल पे आपको ज़्यादा दिखेगा, बाकी के जो पेमेंट मेथड्स है वो एप्लीकेशन आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे। ओके, सो रिसेंटली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम सुनते ही आपको पोस्ट करना है और एक बार रिवाइज कीजिए, जो कि हम क्लास में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या पढ़ चुके हैं। रिसेंटली द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड लुकिंग इन टू एलिगेशंस अगेंस्ट द अल्फाबेट इन गूगल। तो अल्फाबेट इज़ अ पेरेंट कंपनी एंड गूगल उसके अंडर में रह के काम करती है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस, गूगल इज अब्यूजिंग इट्स मार्केट पोजिशंस टू अनफेयरली प्रमोट इट्स मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन दैट इज गूगल पे इन द कंट्री। द कंप्लेंट एलिजिज दैट यूएसए टेक जाइंट मोर प्रोमिनेंटली शोकेसेस इट्स गूगल पे ऐप इन साइड द एंड्रॉयड ऐप स्टोर इन इंडिया, गिविंग इट एन अनफेयर एडवांटेज ओवर एप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जब आप गूगल प्ले स्टोर खोलोगे, ओके, तो अगर आप कोई फिनांस के रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हो तो गूगल पे पहले पॉपअप होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गूगल पे अलाउज यूजर टू डू डिजिटल ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स। इट कम्पीट्स विथ सॉफ्ट बैंक बैक्ड पेटीएम एंड वॉलमार्ट्स फोनपे, बोथ ऑफ विच आर प्रोमिनेंटली यूज इन इंडिया। फेसबुक्स व्हाट्सएप इज ऑल्सो प्लानिंग अ सिमिलर सर्विस इन द नियर फ्यूचर। अब हो सकता है कि व्हाट्सएप पे भी आपको पेमेंट ऑप्शन मिले। गूगल हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू द एलिगेशंस येट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड इन ड्यू कोर्स। द सीसीआई कैन डिरेक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशंस अंटिल अ कॉन्डक्ट अ वाइडर प्रोब इन टू द एलिगेशंस और डिसमिस द केस इफ इट फाइंड्स नो मेरिट इन इट। गूगल विल अपियर बिफोर द सीसीआई विच विल देन डिसाइड ऑन द वे फॉरवर्ड। तो एक बार गूगल अपना जो क्या रिस्पॉन्ड देता है उसके ऊपर सीसीआई अपना केस बिल्ड करेगा। दिस इज गूगल्स थर्ड मेजर एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन इंडिया। इन 2018 सीसीआई फाइंड गूगल $21 मिलियन फॉर सर्च बायस। देखिए, सर्च बायस क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि कोई नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, ये दो शब्द जब आप डालोगे सो गूगल जो चाहेगा वो सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट वॉज अलेजेड दैट गूगल वॉज इंक्लूडिंग इन अब्यूज ऑफ अ डोमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट फॉर ऑनलाइन सर्च थ्रू प्रैक्टिस लेंडिंग टू सर्च बायस एंड सर्च मैनिपुलेशन अमॉन्ग अदर्स। इन 2019 द सीसीआई स्टार्टेड प्रोबिंग गूगल फॉर एलिजिडली मिस यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन टू रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स टू ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ इट्स एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे भी गूगल गूगल ने इंटरफियर किया था, एंड दिस इज़ द थर्ड मेजर एंटी एंटी ट्रस्ट चैलेंज। अब एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है? एंटी ट्रस्ट लॉ ऑल्सो रिफर टू एज कॉम्पिटिशन लॉ, एम्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम अनफेयर रिस्ट्रेंट, मोनोपोलीज एंड प्राइस फिक्सिंग। जैसे कि आगे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि अगर मोनोपोली वाला मार्केट जनरेट होता है तो दैट विल बेनिफिट दी वेंडर, ओके, और मैन्युफैक्चरर। बट अगर मोनोपोली वाला मार्केट नहीं है, जैसे एक ही चीज़ की अगर 10 दुकानें आपको मार्केट में मिल रही है, तो वो कस्टमर को फ़ायदा करेगा। तो अगर गूगल सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर वो मोनोपोली जनरेट कर लेता है, तो बाकी के जो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर लीडर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, और गूगल इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके कस्टमर पे भी डाल सकता है। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी, मार्केट सोसाइटी, ओके, एंड दैट्स वाई वी हैव दी कॉम्पिटिशन लॉ। इट एन्श्योर दैट फेयर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट इन एन ओपन मार्केट इकोनॉमी। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज इंडियाज एंटी ट्रस्ट लॉ, और इसी के अंडर में सीसीआई की स्थापना की गई थी। इट रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड दी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। तो अगर आपको पूछा जाता है कि सीसीआई की कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश किया गया, सो योर आंसर विल बी राघवन कमेटी।
कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 क्या कहता है? इट वॉज पास्ड इन 2002 एंड वॉज अमेंडेड बाई द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। काफ़ी बार उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। इट फॉलोज द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉज। द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाई एंटरप्राइजेज एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशंस विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्रिब्यूनल कॉम्पैट वर एस्टैब्लिश्ड। द गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कॉम्पैट विद द नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट इन 2017। और दिस इज योर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। वाई इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी? बिकॉज इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। बिफोर 2002 देर वर नो मैंशन ऑफ सी सी आई। इट वॉज एडेड थ्रू द बिल, थ्रू द एक्ट, एंड दैट्स वाई इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। कंपोजिशन क्या है इसका? चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको कंपोजिशन पूछा जा सकता है, हु इज़ द करंट चेयरमैन, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो दैट इज फॉर योर होमवर्क, हु इज़ करंट चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एनश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव एन ओपिनियन on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impact training on competition issues. Okay, chaliye. Now next important one is Tianwen 1 and ye hai China ka Mars mission. China will launch its first Mars mission Tianwen 1 in July 2020। तो अगले महीने वापस अपने को ये चीज़ न्यूज़ में देखने को मिलेगी। चाइनाज प्रीवियस यिंगहू 1 मार्स मिशन विच वॉज सपोर्टेड बाई रशिया हैज़ फेल्ड आफ्टर इट डिड नॉट लीव द अर्थ ऑर्बिट एंड डिसइंटीग्रेटेड ओवर द पैसिफिक ओशन इन 2012। तो चाइना पहले भी ये ट्राई कर चुका है। अब तक मार्स तक मार्स पर कौन पहुँच चुका है? USSR एंड USA। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, इफ़ चाइना गेट सक्सेसफुल, देन चाइना विल बी द थर्ड कंट्री टू रीच मार्स। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन मार्स मिशन इन जुलाई। द परसिवरेंस विच एम्स टू कलेक्ट मार्टियन सैंपल्स। तो उसकी ज़मीन के जो सैंपल्स है उसको कलेक्ट करने के लिए नासा भी अपना एक मिशन मार्स पर भेज रहा है। टियानवेन वन मिशन की स्पेसिफिकेशंस क्या है? इट विल लिफ्ट ऑफ एन अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट फ्रॉम दी वेंचांग लॉन्च सेंटर। इट विल कैरी 13 पेलोड्स दैट विल एक्सप्लोर द प्लेनेट। देखिए उसमें 7 ऑर्बिटर्स होंगे एंड 6 रोवर्स होंगे। अब हम इतने सारे मिशन पढ़ चुके हैं कि रोवर्स और ऑर्बिटर क्या है हमें पता होना चाहिए, लैंडर्स क्या है हमें पता होना चाहिए। इट इज़ एन ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर एंड अ रोवर सिस्टम। ऑर्बिटर क्या होता है? इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट डिजाइंड टू ऑर्बिट अ सेलेशियल बॉडी विदाउट लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस। तो जो हम जिसमें लैंडर क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट स्ट्रक्चर consisting of a base and three sides petals in the shape of a pyramid. It is a protective shell that houses the rover and protects it along with the airbags from the forces of impact. Rover kya hota? It is a planetary surface exploration device designed to move across the solid surface on a planet or other planetary mass celestial bodies. Okay. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द मिशन विल बी द फर्स्ट टू प्लेस अ ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ऑन द मार्शियन सरफेस विच विल बी एबल टू स्टडी लोकल जियोलॉजी एज वेल एज रॉक
आइस एंड डर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका बेसिक एम होगा कि भाई जो लोकल लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उसके ऊपर इसका फोकस रहेगा। टियानवेन वन का इट विल सर्च दी सरफेस फॉर वाटर, इन्वेस्टिगेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडी दी एटमोसफियर। तो मार्स में काफ़ी सालों से हम लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिशन भी उसी को आगे एक्सटेंड करेगा। लैंडिंग ऑन मार्स, द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो इसको मार्स तक पहुँचते पहुँचते 6-7 महीने लगेंगे और ये फर्स्ट क्वार्टर में 2021 में ये पहुँचेगा। द सक्सेस ऑफ द मिशन विल मेक चाइना द थर्ड कंट्री टू अचीव अ मार्स लैंडिंग आफ्टर द USSR एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए हम अभी ऑर्बिट तक ही पहुँचे हैं, हम ऑर्बिट से आगे अभी तक नहीं जा पाए, लैंडिंग तक पहुँचना अभी इंडिया को बाकी है। सो अभी तक USSR एंड USA के बाद चाइना विल बिकम द थर्ड कंट्री इफ इट गेट सक्सीडेड। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर टियानवेन वन। और आगे के जो मार्स मिशन है वो कौन से है? द सोवियत यूनियन इन 1971 बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कैरी आउट अ मार्स लैंडिंग मार्स 3। द सेकेंड कंट्री टू रीच आउट मार्स सर्फेस वॉज USA। सिंस 1976 इट हैज़ अचीव्ड 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग, द लेटेस्ट बींग इन इनसाइट इन 2019। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ बिन एबल टू प्लेस देयर स्पेस क्राफ्ट इन मार्सेस ऑर्बिट थ्रू मार्स एक्सप्रेस मिशन। इंडियाज मार्स ऑर्बिट मिशन और मंगलयान, जो कि जिसको हम मंगलयान के तौर पर जानते हैं, पहले नहीं जानते, जो जब मूवी बनी तब से हम ज़्यादा जानते हैं इसको। चलिए, इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश बाय इसरो इन नवम्बर 2013। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड PSLV-C25 रॉकेट विथ एम ऑफ स्टडिंग मार्शियन सरफेस एंड मिनरल कंपोजिशन एज वेल एज स्कैन इट्स एटमोसफियर फॉर मिथेन। ओके तो आपको अगर मॉम के बारे में पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट करेक्टली। एंड दीज आर योर होमवर्क टॉपिक्स फॉर टुडे। अगर जो कवर्ड टॉपिक है आज के उसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क टॉपिक है आपके बनाना कोविड। सेकंड इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी GPSC पूछ चुका है, UPSC काफ़ी बार इसको पूछ चुका है, और क्यों ये वापस न्यूज़ में है? तो जो माइग्रेंट के साथ गवर्नमेंट ने जो डील किया, जिस तरह से डील किया, उसकी वजह से काफ़ी माइग्रेंट्स की डेथ हो गई, उसको लेकर कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को समन पहुंचाया गया है थ्रू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके चलिए, तो हम आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। थर्ड इज मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। ओके अग्निप्रस्थ कहाँ इसको इनोग्रेट किया गया है, क्यों इसको इनोग्रेट किया गया है, दैट इज दी टॉपिक फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर वन फॉर योर टेस्ट टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाई बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया। टू, क्वेश्चन नंबर टू, द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर विटनेस इज द मोस्ट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। ओके जो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। तो जो नहीं सही है वो आपको बताना है। जो गुजराती मीडियम वाले लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ જે છે બોર્ડર પર એ ચાઇના અને ઇન્ડિયા બંને એક્સેપ્ટ કરેલી છે અને એનું ઉલ્લંઘન નથી થતું, સ્ટેટમેન્ટ વન. સ્ટેટમેન્ટ ટુ શું છે? ઇન્ડિયા ચાઇના બોર્ડરનો જે પૂર્વ છેડો છે તે સૌથી વધારે ફેસ ઓફ મુઠભેડ સહન કરે છે, એટલે જે બોર્ડરમાં જે ડિસ્પ્યુટ છે તે સહન કરે છે. એ તમારે સાચું છે કે ખોટું એ તમારે મને જણાવવાનું છે, બરાબર? અને આ બેમાંથી જે વિચાર નોટ કરેક્ટ તે તમારે નીચેથી સિલેક્ટ કરવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર ટુ, કન્સિડર ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ વિથ રેફરન્સ ટુ કાંગરા ટી. કાંગરા ટીને લઈને નીચેના સ્ટેટમેન્ટ વન કયા સાચા છે? સ્ટેટમેન્ટ વન છે, ઇટ હેઝ અ હાઈ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ કેન બુસ્ટ ઇમ્યુનિટી.
બરાબર, એની પાસે બહુ એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રોપર્ટીઝ છે અને તમારી ઇમ્યુનિટીને વધારવામાં મદદ કરી શકે છે, રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતાને વધારવામાં મદદ કરે છે. એ છે તમારું સ્ટેટમેન્ટ વન. સ્ટેટમેન્ટ ટુ છે, ઇટ હેઝ અ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ટેગ, એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે કે નહીં એ તમારે ચેક કરવાનું છે. અને જે કરેક્ટ છે તે તમારે નીચેનામાંથી સિલેક્ટ કરવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી, મેલેથિયોન ઇઝ ઇફેક્ટિવ અગેન્સ્ટ વોટ? મેલેથિયોન શું છે તો પહેલાં તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ બી સી ડી ચાર ઓપ્શન તમને આપેલા છે. કોના રોકવામાં મેલેથિયોન કામમાં આવે છે તે તમારે જણાવવાનું છે. દિસ ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ કરન્ટેસ્ટ ટોપિક. ઓકે, ક્વેશ્ચન ફોર, વિથ રેફરન્સ ટુ ટીએનવેન વન, કન્સિડર ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ. સ્ટેટમેન્ટ વન, ઇટ ઇઝ અ માર્સ મિશન ઓફ ચાઇના. સ્ટેટમેન્ટ ટુ, ઇટ વિલ મેક ચાઇના ધી થર્ડ કન્ટ્રી ટુ અચીવ અ માર્સ લેન્ડિંગ આફ્ટર ધી યુએસએસઆર એન્ડ ધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ. વિચ ઓફ ધી સ્ટેટમેન્ટ ગીવન આર કરેક્ટ? ઓકે, ક્વાઇટ એન ઇઝી વન, હમણાં જ આપણે ભણી ગયા. ચલો, તો આ તમારા ચાર ટેસ્ટ માટેના સવાલ છે. હું દરેક પાસે એક્સપેક્ટ કરીશ કે કમેન્ટ બોક્સમાં અમને લખીને જણાવો. તમે અમને લખીને જણાવશો, જબ તક આપ હમે રિસ્પોન્સ નહીં દેંગે, ઠીક હે, હમે લગેગા કે યુ આર નોટ લિસનિંગ ઓર યુ આર નોટ રીડિંગ. ઓકે, આપ હમે બતાતે જઈએ, આપકે કોઈ રિવ્યુ હૈ વો હમે બતાતે જઈએ. ઓકે, દેટ વિલ બૂસ્ટ અવર એન્થુઝિયાઝિઝમ ઇન ધીસ ટાઈમ. ચાલીએ, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, થેન્ક યુ.